नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दूंगा कि स्किजोफ्रेनिया, जो कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंडीशन है या जिसे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर कहा जाता है, उसका एक जेनेटिक बेसिस वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई किया है। हालांकि ये कोई नई रिसर्च नहीं है, ये बहुत सालों से जाना हुआ फैक्ट है। एक ऐसी एक जेनेटिक कॉज जो कि बहुत सारे स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखा गया है। स्किजोफ्रेनिया का अकेला एकमात्र ऐसा एक जेनेटिक कॉज जो कि पूरे सटीक तौर पे पहचाना गया है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्किजोफ्रेनिया जो कि एक न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन है, मतलब कि जिसमें ब्रेन के कई सारे एरियाज अफेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स और इसी के साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन के अलग अलग एरियाज के इफेक्ट होने की वजह से होते हैं, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मैलिटीज देखी जाती हैं। मतलब कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, इनके एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से, कम ज्यादा हो जाने की वजह से सिम्टम्स जो है वो आते हैं। पर ये जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, इनके अंदर आने वाले बदलाव केवल कारण नहीं होते स्किजोफ्रेनिया को कॉज करने के, और ये एक माना हुआ फैक्ट है, कई दशकों से माना हुआ एक तथ्य है कि स्किजोफ्रेनिया एक जेनेटिक कंडीशन है। मतलब कहीं ना कहीं स्किजोफ्रेनिया को कॉज करने में कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है, और वो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स से मिलकर बनता है, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट हम कह सकते हैं इन जीन्स के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से स्किजोफ्रेनिया जैसी न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारी होती है। बहुत सारी ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनका स्ट्रांग जेनेटिक बेसिस होता है, मतलब वो फैमिलीज में रन करते हैं, और स्किजोफ्रेनिया सबसे ज्यादा हेरिटेबल डिसऑर्डर्स में से एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद। बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया, एडीएचडी, अल्जाइमर्स, ऑटिज्म, ये सबसे ज्यादा जेनेटिकली इनहेरिट की जाने वाली न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस हैं, मतलब इनका स्ट्रांग जेनेटिक बेसिस मौजूद है, ये फैमिलीज में रन करती हैं बीमारियां। पर कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ा देते हैं, या ऐसे जीन्स जो कि स्किजोफ्रेनिया को कॉज करते हैं, उसका कारण बनते हैं, इस बारे में कोई एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। कोई सटीक तौर पर ऐसे जीन्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, क्योंकि बड़े सारे शोध अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, और कोई भी ऐसा सिंगल जीन नहीं है जो कि स्किजोफ्रेनिया कॉज करता है। मतलब मोनोजेनिक कॉज नहीं है स्किजोफ्रेनिया का, एक अकेला जीन, कोई एक ऐसा डिफेक्ट दिमाग में, सेल्स में, जो कि स्किजोफ्रेनिया कॉज करेगा, ऐसा नहीं होता। स्किजोफ्रेनिया एक पॉलीजेनिक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है। मतलब पॉलीजेनिक का मतलब हुआ कई सारे जीन्स मिलकर स्किजोफ्रेनिया कॉज करते हैं। इनफैक्ट अलग अलग पॉपुलेशन में, अलग अलग लोगों में अलग अलग जीन्स भी होते हैं। तो कुछ सैंपल होगा जिसमें कोई कलेक्शन जीन्स का स्किजोफ्रेनिया कॉज करेगा, तो कोई दूसरे, कुछ ऐसा सब ग्रुप होगा स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स का जिसमें कोई दूसरे जीन्स का ग्रुप उसको कॉज करेगा। पर मोटे तौर पर काफी सारे ऐसे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसे कहा जाता है पॉलीजेनिक, मतलब कई सारे जीन्स मिलकर स्किजोफ्रेनिया के अलग अलग सिम्टम्स लाते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि सारे स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो एक जैसे लक्षण नहीं दिखाते, उसका कारण यही होता है कि अलग अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी पेशेंट में डिल्यूजन्स ज्यादा होती हैं, किसी पेशेंट में हेलुसिनेशंस होती हैं, तो किसी पेशेंट में सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स और कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर वाले सिम्टम्स होते हैं। 5 मोटे तौर पे सिम्टम्स होते हैं जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस में स्किजोफ्रेनिया की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, मतलब डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। फिर नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर ब्लंटेड एफेक्ट होता है, मोटिवेशन की कमी होती है, पेशेंट के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस की कमी हो जाती है, काफी सारे ऐसे एबनॉर्मेलिटीज देखने में आती हैं। फिर उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। तो ये जो 5 सिम्टम्स हैं, इनमें से 2 भी अगर प्रेजेंट होते हैं पेशेंट के अंदर, तो उसे स्किजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिल जाता है। मतलब किसी के अंदर डिल्यूजन हेलुसिनेशंस होंगे, किसी के अंदर हेलुसिनेशंस और नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। नेगेटिव सिम्टम्स भी 5 तरह के होते हैं, उनमें से भी कोई 2 या 3 भी होंगे तो भी उसे स्किजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिलेगा, अगर वो किसी डिसऑर्गेनाइज या हेलुसिनेशन या दूसरे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट हो। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और डिल्यूजन होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और हेलुसिनेशन, कोई भी 2 सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन इन 5 में से स्किजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के लिए क्वालिफाई कर जाता है।
तो ऐसे में जब इतनी वैरायटी वाली पिक्चर जो मौजूद होती है उसके पीछे जो सीधे तौर पे जो एक्सप्लेनेशन जाती है वो यही कि ये जो बीमारी है ये पॉलीजेनिक नेचर की होती है, मतलब कई सारे जीन्स मिलकर सिम्टम्स लाते हैं। कोई जीन्स प्रेजेंट होंगे तो कोई सिम्टम्स आएंगे, कोई दूसरे जीन्स होंगे तो कोई दूसरे सिम्टम्स आएंगे। पर एक ऐसी कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है, जो कि आइडेंटिफाई की गई है कई सारी स्टडीज में, जिसके अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो कि पूरे पक्के तौर पे कहे जा सकते हैं कि वो स्किजोफ्रेनिया का कारण बनते हैं। इनफैक्ट ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी एक कंडीशन है जिसके अंदर जो कुछ स्पेसिफिक जीन्स की एब्सेंस की वजह से, कमी की वजह से 40 से 80 गुना तक रिस्क बढ़ जाता है स्किजोफ्रेनिया होने का। मतलब और कोई दूसरा जीन अगर एब्सेंट होगा तो स्किजोफ्रेनिया होने का रिस्क कम होगा, जबकि इन जीन्स की एब्सेंस की वजह से 20, 40, 60 गुना तक रिस्क जो है वो बढ़ जाता है स्किजोफ्रेनिया डेवलप होने का। इस कंडीशन को कहा जाता है डाई जॉर्ज सिंड्रोम, या जिसका एक टेक्निकल नाम होता है 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम। नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है पर समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। हम सभी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। हर सेल में ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से पेयर की जो एक कॉपी जो है वो फादर से मिलती है, एक कॉपी मदर से मिलती है। तो दोनों के जो 23 के जो आपस के कॉम्बिनेशन है ये 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इसमें से जो 22वां क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन जो है वो जब डिलीट हो जाता है तो उसकी वजह से होता है 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम। मतलब 22nd क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटा सा एक लोकेशन है, छोटा सा एक सेक्शन है जहां करीब 30 से लेकर 60 जीन्स मौजूद हो सकते हैं। उस हिस्से की एब्सेंस की वजह से, उसके डिलीट हो जाने की वजह से ये डाई जॉर्ज सिंड्रोम होता है। अब ये है एक जेनेटिक कंडीशन, मतलब ये जो बीमारी है ये कई सारे दूसरे बीमारियां भी पैदा करती है। इससे कई सारी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, मेल फॉर्मेशन जो है वो बच्चों में और बड़ी उम्र तक देखने में आती हैं। डाई जॉर्ज सिंड्रोम में 22वें क्रोमोसोम के ऊपर जो सेक्शन डिलीटेड होता है वो दो तरीके से डिलीट हो सकता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कि या तो वो 3 MB डिलीशन है या 1.5 MB डिलीशन है। एमबी का मतलब है मेगाबेसिस, मतलब जो 3 MB है ये कंप्यूटर वाला MB, KB वाला, मेगाबाइट किलोबाइट वाला नहीं है। ये जेनेटिक्स में जब जीन्स की लोकेशन, उसके साइजेस को जब आइडेंटिफाई किया जाता है उनको MB मेगाबेसिस के नाम से ऐसे डिनोट किया जाता है, ये उसकी यूनिट होती है। तो 3 MB मतलब बड़ा साइज है, 1.5 MB मतलब उसका करीब आधा साइज है। तो 3 MB में करीब 60 जीन मौजूद होते हैं, 1.5 MB के अंदर 30 से 35 जीन मौजूद होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो 1.5 MB वाला जो लोकेशन होता है, जो पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है स्किजोफ्रीनिया या कुछ दूसरी न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस के लिए। स्किजोफ्रीनिया के अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, ये बीमारियां भी ये हिस्सा कॉज कर सकता है। अब जैसा कि मैंने स्किजोफ्रीनिया के पॉलीजेनिक फैक्टर्स के बारे में बताया, उसी तरीके से ये जो 30 जीन्स होते हैं इनमें से कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि स्किजोफ्रीनिया का रिस्क करीब 40 से 60 गुना बढ़ा देते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन 5 जीन्स का। पूरी जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो हर 4,000 में से एक बच्चा डाई जॉर्ज सिंड्रोम से पीड़ित होता है, मतलब उसके अंदर ये जेनेटिक कंडीशन मिलती है। यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखने की है कि ये जो कंडीशन है डाई जॉर्ज सिंड्रोम, इसके अंदर मिलने वाले जीन्स पक्के तौर पर हमें एक एविडेंस देते हैं कि इन जीन्स की वजह से तो स्किजोफ्रेनिया होने का चांस 40-60 गुना तक ज्यादा होगा ही होगा। मतलब अगर किसी को डाई जॉर्ज सिंड्रोम है तो चांस काफी बढ़ जाते हैं कि वो बड़ा होकर, वो बच्चा बड़ा होकर स्किजोफ्रेनिया डेवलप कर सकता है। और यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है जो कि वैज्ञानिकों ने खोजी है कि ये जो स्किजोफ्रेनिया जो डाई जॉर्ज सिंड्रोम के लोगों में डेवलप होता है, ये बाकी के अगर पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उन सभी लोगों के स्किजोफ्रेनिया में और डाई जॉर्ज वाले पेशेंट के अंदर डेवलप होने वाले स्किजोफ्रेनिया में कोई बड़े फर्क नहीं होते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले जो स्किजोफ्रेनिया पेशेंट्स हैं वो बाकी के नॉन डाई जॉर्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट्स से मुकाबले अलग होते हैं। मतलब इनके अंदर कुछ अलग सिम्टम मिलेंगे या इनका IQ कम मिलेगा या इनके अंदर कुछ दूसरी बीमारियां मिलेंगी, नहीं। इनके अंदर होने वाला कॉग्निटिव इंपेयरमेंट बाकी लोगों के जैसा होता है, मतलब जो स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट है।
हम ये नहीं कहेंगे कि इनके स्किज़ोफ्रेनिया की पिक्चर कुछ अलग होती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो 22वां क्रोमोसोम के अंदर जो छोटे से जो जीन्स मिलते हैं, ऐसे 5 जीन आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ाएंगे। वो 5 जीन पक्के तौर पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया तो कॉज करते ही हैं। मतलब वैज्ञानिक धीरे धीरे बहुत एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं जब वो पक्के तौर पे बता सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया किन जीन्स के एब्सेंस या उनके अंदर होने वाले डिफेक्ट की वजह से होता है। और करीब 1980-90 के दशक से इस बारे में काफी अच्छी जानकारी मौजूद है वैज्ञानिकों के पास कि ये जो डिलीशन सिंड्रोम है 22q वाला, इसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहां हम कहेंगे कि बहुत से लोग जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ, उनमें बहुत सारी दूसरी फिजिकल कंडीशंस भी मौजूद होंगी जो कि डायजॉर्ज सिंड्रोम की वजह से हुई हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हम कहें कि हम कितने सटीकता से बता सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का जेनेटिक बेस, तो केवल एक ही ऐसी कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है, जिसके बेसिस पे पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि ये 5-7 जीन्स का कॉम्बिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया तो लाएगा ही लाएगा। बाकी की जितनी भी स्टडीज हुई हैं, जिसे कहते हैं जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज, GWAS, बहुत सारे देशों में सारे पेशेंट्स के ऊपर ऐसा डेटा इकट्ठा करके, उनके जीनोम का एनालिसिस करके जो जीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो बहुत ही मिक्स्ड पिक्चर दिखाते हैं। मतलब कि किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई जीन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किसी और पॉपुलेशन में कोई और जीन्स मिलते हैं। हालांकि अभी रिसेंट एक फाइंडिंग आई है, स्टडी की थी, जिसमें कि देखा गया था कि 10 कॉमन ऐसे जीन्स हैं जो कि कई गुना बढ़ा देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का रिस्क। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसे जीन्स आइडेंटिफाइड हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल देखे गए हैं। तो इसका फायदा कैसे मिलेगा? इसका फायदा इस तरह से मिल सकता है, प्रीनेटल स्टेज पर जब स्क्रीनिंग होती है, जेनेटिक टेस्टिंग होती है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए, तो अगर ये जीन्स हमें पता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया कॉज कर सकते हैं, तो उस केस में माँ बाप को बेटर तरह से काउंसिल किया जा सकता है कि उनके बच्चे में रिस्क है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करने के। तो ऐसे में वो ये डिसीजन ले सकते हैं शायद कि वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं या नहीं। मतलब जब हमें जीन्स पता होंगे और जब हम उसे जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ऐसे में बच्चे को पैदा करके उसमें होने वाले रिस्क जो है स्किज़ोफ्रेनिया के, उसको बचाया जा सकता है। और शायद किसी किसी कंडीशन में ये डिसीजन लिया जा सकता है कि वो बच्चा पैदा ना किया जाए जिसमें ये डिलीशन सिंड्रोम मौजूद है या हो सकता है। तो इस तरह की जो भी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो फिलहाल तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर हैं, और इनकी मदद से कोई बहुत इंटरवेंशंस या कोई ऐसी दवाइयां बनी हो या ऐसा कुछ तो अभी संभव नहीं हो पाया है। पर फ्यूचर में शायद जीन थेरेपी या कुछ और तरीकों से पॉसिबल हो सकता है कि इन जीन्स के आइडेंटिफाई होने की वजह से इनको पहले ही डायग्नोस किया जा सके, ताकि प्रिकॉशंस ली जा सकें, बच्चे का कंसीव करना ना करना उस पर निर्णय लिया जा सके। और ऐसे में बहुत सारे पेशेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया को एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिवेंट किया जा सके। तो इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर कर लें उन लोगों से जिनके लिए जानकारी यूजफुल हो सकती है। इस बारे में थोड़ा जेनेटिक बेसिस है, जेनेटिक टेस्टिंग, इसके बारे में थोड़ा और मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा स्किज़ोफ्रेनिया और कुछ दूसरी बीमारियों के बारे में। तो ये चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।